सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि ज्ञान जो है ये पुरुष है, ये दीपक की भांति है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वेद शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, उसको अर्जित करना पड़ेगा। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए हमको तेल की, बाती की, चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है ना। और भक्ति क्या है? हीरा है। भक्ति क्या है? मणि है, हीरा है, यह स्वतः मिल जाती है। और माया क्या है? तूफान है, आंधी है, स्त्री है। जब वो ज्ञान रूपी दीपक जल रहा हो और माया रूपी स्त्री रूपी तूफान जब चलता है ना, तो दीपक को बुझा देता है। किसे? दीपक को बुझा देता है। लेकिन भक्ति और मणि को कभी बुझा नहीं सकता, हीरा कभी बुझ नहीं सकता। वो हमेशा निरंतर जल रहा है। चाहे कीचड़ में फेंक दो, थोड़ा सा जल डालो, धुल गया, फिर चमकने लग गया, वो निरंतर चमक रहा है। तो यहाँ पर भाव देते हैं, ज्ञान व्यक्ति के पास अपार होता है। अगर स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो उसका ज्ञान नष्ट हो सकता है। बड़े बड़े पोथी पढ़ के आपको ज्ञान हो जाए दूसरे को बांटने के लिए, और खुद के अंदर में कोई ज्ञान ना हो, ज्ञान का अनुसरण ना हो, केवल हम बांटने के लिए पढ़े हैं। आइए आपको ज्ञान देते हैं, तो आपके यहाँ पल्ले नहीं पड़ेगा। ज्ञान खूब सुनोगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान जल्दी से समझ में नहीं आता है। और जिसके पास वास्तविक ज्ञान होगा, आंतरिक ज्ञान होगा, उसके पास कूट कूट कर भक्ति भरी होगी। और जब भक्ति भरी होगी तो भक्ति को कभी माया नहीं घेरती है। भक्ति प्रबल है, भक्ति को कोई काट नहीं पाता, ना कोई माया फेल कर सकती है। लेकिन ज्ञान रूपी पुरुष, माया रूपी आंधी रूपी जो स्त्री है, माया रूपी जो स्त्री है, इसके जब संपर्क में आता है तो पुरुष का ज्ञान नष्ट हो सकता है। जैसे तूफान चलता है तो जलता हुआ दीपक बुझ जाता है। लेकिन जो मणि है, भक्ति स्त्री है और माया स्त्री है, स्त्री पर कभी लोभित होती है? स्त्री से वो ऐसा प्रेम करती है, हमारा आपका स्नेह है, लेकिन उससे लोभित नहीं होती है। मिली, हालचाल किया, चली गई। और उसका ज्यादा झुकाव किससे होता है? पुरुष से, ज्ञान से। ज्ञान छड़ी कहे, ज्ञान प्राप्त कर भी लोगे, आपका आंतरिक पट नहीं खुला तो भक्ति आपके अंदर कभी आ ही नहीं सकती है। आप सब लोग गृहस्थी हैं, भक्ति को श्रेष्ठ मानिए। मीरा के पास कोई ज्ञान नहीं था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बस इतना पता है तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बस यही भक्ति है। हमेशा भक्ति को महत्व दीजिए।